कर दिया। नमस्कार, मैं योगेश कुमार प्रजापति और आज हम नजफगढ़ में एक ह्यूमन केयर हॉस्पिटल ह्यूमन केयर इंटरनेशनल ट्रस्ट है जिसके अंदर हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे थे और इस प्रोजेक्ट में हमने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के मकसद से 3 स्टैचू बनाए हैं और वो तीनों स्टैचू आज इस्टेब्लिश कर दिए हैं हमने यहाँ पर नजफगढ़ में इस एनजीओ में। और इस एनजीओ के जो संस्थापक हैं वो डॉक्टर आर के मैसी हैं। तो मैसी साहब ने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया है और इस प्रोत्साहन के बाद हमने काम करने के कंप्लीट बड़ा अच्छा फील हो रहा हमें। और इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ में मेरा टीम वर्क भी है, जैसे हिमांशु यादव है जो कि एलपीयू में अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट है और एक मेरा अजीज कहेंगे जैसे भाई कहेंगे जैसे, उसका नाम विष्णु कुमार प्रजापति है जो कि अभी लखनऊ से मास्टर कर रहे हैं। और लवली के एक स्टूडेंट और हैं जिनका नाम राजन है, राजन कुमार ने इसमें काफ़ी काम किया है, वो इस टाइम मौजूद नहीं है हमारे साथ में, लेकिन हिमांशु और विष्णु कुमार हमारे यहाँ साथ में मौजूद हैं। और इस बीच मैं आपको बता दूँ, मैं भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ पिछले 2-2.5 साल से और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके से हमारे इस काम का जो वे है वो लगातार चलता रहे। और इसी के साथ मैं अब धन्यवाद करता हूँ और आप हमारे बच्चों से भी कुछ पूछ सकते हैं तो वो हमारे बच्चे आपको बताएंगे। नमस्कार। तो लीजिए, आपके सामने हमारे 2 स्टूडेंट और हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम किया है, तो बताइए आपको कैसा लगा इस प्रोजेक्ट में। नमस्कार, मैं विष्णु कुमार प्रजापति। नमस्कार, मैं हिमांशु यादव। और इस काम को हमने 15 अगस्त के लिए बनाया था जो कि उसमें जय जवान और जय किसान और जय विज्ञान और जो स्टैचू हमने आज डिस्प्ले किए हैं वो यहाँ पर एक तिरंगा झंडा है, उसकी हाइट कम से कम 1 से 1 फीट है, उसके सामने उनको असेंबल किया है और वो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम। हिमांशु जी, आपको कैसा लग रहा है काम करके? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है अपने सर के साथ काम करके, टीम वर्क करके। तो मैंने पहले कभी ऐसा काम किया नहीं है, इसलिए मेरे को खुशी है कि आप मेरे सर ने मुझे इसमें काम में मेरे को बुलाया और मेरे से काम करवाया तो अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा है आपका। आप लवली में पढ़ते हैं? जी सर। तो लवली यूनिवर्सिटी में आप पढ़कर अच्छा महसूस कर रहे हैं? जी सर। चलिए, शुक्रिया। तो थैंक यू।